अगर आप एक दिन में 50-60 रुपए का पानी पी रहे हो तो यानी साल में, एक महीने में 2000 का, एक साल में 24000 का, और 5 साल में 1.25 लाख रुपए आप दे चुके हैं इन चोरों को। बहन जी कांग्रेस वापसी आई, पेंशन आ रही है आपकी? पेंशन आ रही है? नहीं हमारी पेंशन भी बंद कर रखी है क्योंकि पेंशन का पैसा ऐड में चल रहा है। नहीं। ये है वार्ड नंबर 64 से कांग्रेस के युवा उम्मीदवार पंकज शर्मा, जिन्हें आप इन दिनों यूं ही जनता के बीच अपनी बात कहते हुए देख सकते हैं। पंकज शर्मा जहां एक और अपने मन की बात लोगों से साझा कर रहे हैं, वहीं उनके दिल की बात समझने में भी वो कभी देर नहीं करते। आइए पंकज शर्मा जी से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कि आगे वाले समय में वो जनता के लिए क्या करेंगे, बताइए पंकज शर्मा जी। जिस गली में इस समय हम खड़े हैं, यहाँ पे सफाई की बड़ी बुरी व्यवस्था है। महीने में शायद ही एक बार कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पर आता है। नालियाँ यहाँ पर चौक दें, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ की है, यहाँ पे पीने का पानी नहीं आता। पानी अभी अभी हमारे दोस्तों ने कुछ बताया पीछे, जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, कि कई बार पानी इतना काला आता है कि आप उससे अपना हाथ भी नहीं धो सकते। और पानी रही पीने की बात, ये इनको बड़ा क्लियर है। हर रोज़ यहाँ पर एक बोतल 20 रुपए की आती है, 2 बोतल 3 बोतल 4 बोतल दिन में यूज़ होती है। हम आ गए हैं वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, आइए जानते हैं लोगों से उनकी परेशानियाँ। सब आएंगे जी, बताइए यहाँ की परेशानियों के बारे में कुछ। रोड को देख ही रहे आप, नाली देख ही रहे, देख लीजिए सब सब सफाई कितनी है, कूड़े का नाले का देख लो आप, कूड़े का ढेर जहाँ मर्जी वहीं लगा रहता है। हम इश्तेहार से पानी इतनी गंदा आता है कभी कभी कि नहाने लायक भी नहीं होता है। पीते तो हम लोग आप खरीद के पानी खरीद के पीते हैं आप? ये सामने बोतल रखा है, ये देखो ना, चाहता हूँ एक बार आप अपना कैमरा ऊपर दिखाइए। ये देखो बोतल खरीद के रखा हुआ है, पानी की एम्प्टी रखी है। मैं एक बार दिखा के आता हूँ आपको, देखिए कैन रखी हुई है, और हर घर घर में ऐसी कैन मिलेगी आपको। हर घर में रखेंगे तो पानी भी नहीं। हाँ, ये कैन हमें रोज रोज खरीदनी पड़ती है, इतना तो रिकॉर्ड हो ही रहा होगा। ये पीने का पानी ये लोग पैसे देके खरीदते हैं, 20 रुपए की, जो कि इश्तेहार चलता है फ्री का पानी। वहीं वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गी बस्ती की ये जनता भी उनके हर डोर टू डोर कैंपेन में उनके साथ कदम ताल करती हुई दिख जाएगी, और वो अपने मन की बात करने में भी इस युवा शख्सियत से कोई गुरेज नहीं करती। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूं जो ये केजरीवाल आवे दोबारा, क्योंकि यहाँ के विधायक जो है कभी आज तक देखने तक नहीं आता है, उसके पास कोई काम से पहुँचता हूँ तो काम करने का राजी नहीं है। तो हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए इस क्षेत्र में। जो परंपरा हमारा जो है भूतपूर्व जो है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद रहता है, रहेंगे वो भी। आज तक ना कोई स्कूल में ईंट लगाई इसने आम आदमी ने, ना और कहीं कोई साफ सफाई कराई, ये गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। MCD चुनावों में मतदान की तारीख जैसे जैसे पास आती जाएगी, वैसे वैसे आपको भी सभी राजनीतिक दलों में एक नई हलचल देखने को मिलेगी। कैमरामैन शिवानी और आफ्ताब आलम के साथ अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज़ ब्यूरो।